दोस्तों आपको सभी एंड्रॉइड फोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन करके एक सेटिंग देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस डेवलपर सेटिंग के अंदर आपको पांच ऐसे अल्टीमेट हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं ना, जिसे आप अलग अलग बेसिस पे यूज कर सकते हो और आप अपने फोन को और भी स्मार्ट बना सकते हो, लैग से दूर कर सकते हो, बैटरी ज्यादा टाइम तक चला सकते हो, फोन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। एक ही फोन के सेटिंग के अंदर इतनी सारी आपको सेटिंग मिल जाती है जो भी आप अपने फोन को बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। सभी एंड्रॉइड फोन में आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी किसी एंड्रॉइड फोन में आपको देखने को मिलेगा, सभी एंड्रॉइड फोन में आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक कर दो और एंड तक कंटिन्यू देखते रहो। वीडियो को लाइक कर दो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना है, ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है। पहले आपको ये बता दूं कि डेवलपर सेटिंग ऑन कैसे करते हैं। सिंपली आप अपने फोन के सेटिंग में चले जाना, अबाउट फोन पे क्लिक करना है। जैसे आप अबाउट फोन पे क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन वाले सेटिंग में चले जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर करके सेटिंग मिल जाएगी। जैसे आप बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करोगे, ऑटोमेटिक ही आपका वो डेवलपर ऑप्शन वाला सेटिंग ऑन हो जाएगा, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑलरेडी मैंने ऑन कर रखा है। तो इस प्रकार से आप डेवलपर सेटिंग को ऑन कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे आप डेवलपर सेटिंग को ऑन कर लेते हो, उसके अंदर आपको कितनी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, तो एक सेटिंग के अंदर आपको इतनी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब आपको पहले सेटिंग के बारे में बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके कैमरे को लेकर के है। कभी कभी क्या होता है कि आपके कैमरे से कोई दूसरा गलत काम करता है और आपको फंसना पड़ जाता है। जैसे कि आप किसी काम में बिजी हो या सो रहे हो, उस टाइम पे अगर आपका फोन लेकर के कोई किसी का भी फोटो क्लिक करेगा, आपका फोन है, फंसना आपको पड़ेगा। ऐसे में आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको ऐसा मुसीबत कभी भी नहीं आएगा। So, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, क्विक सेटिंग, इस वाले सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेंसर ऑफ करके एक सेटिंग देखने को मिलेगा, इसे जैसे ही ऑन करोगे ना, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको एक सेंसर करके, और यहाँ पे देखो सेंसर करके एक सेटिंग देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ से इसे ऑन करते, ऑन करने के बाद आप यहाँ पे, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करूंगा, जैसे कि यहाँ पे आते तो कैमरा ऑन नहीं होगा, टेक्निकल इशू बताएगा। फिर उसके बाद मैं जैसे इसे यहाँ से ऑफ करूंगा, देन यहाँ पे मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा, तो यहाँ पे देखो कि मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इस सेटिंग का यूज करके आप ये कर सकते हो कि आप किसी के हाथ में अगर अपना फोन दे रहे हो ना, तो कैमरा ऑफ करके देख सकते हो, वो आपके कैमरे को यूज नहीं कर पाएगा, किसी का भी फोटो क्लिक नहीं कर पाएगा, वीडियो शूट नहीं कर पाएगा। तो इस सेटिंग का आप इस्तेमाल करके अपने फोन को सेफ रख सकते हो। वहीं पे आप दूसरे सेटिंग के बारे में बात करोगे ना, तो गेमिंग को लेकर के है। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने फोन के अंदर बहुत ही अच्छा और फास्ट तरीके से गेम खेल सकते हो। बहुत ही अच्छा सेटिंग है। अगर आपके फोन में भी स्लो चल रहा है गेम, तो आप इस सेटिंग को ऑन करने के बाद क्या कर सकते हो, अपने फोन के अंदर एकदम फास्ट गेम खेल सकते हो। तो वो कौन सा सेटिंग है आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा 44XMSAA, इस वाले सेटिंग को यहाँ से सिंपली ऑन कर देना है। जैसे इस वाले सेटिंग को आप यहाँ से ऑन कर देते हो, उसके बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलो, कितना भी हाई ग्राफिक्स का गेम खेलोगे ना, आपके फोन के अंदर काफी अच्छे से गेम चलने वाला है इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। आप एक बार प्रैक्टिकली यहाँ पे ट्राई करके देखना, ऐसे आपको नहीं समझेगा, जैसे आप प्रैक्टिकली ट्राई करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेटिंग वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तीसरी सेटिंग को यूज करने के बाद आप अपने फोन को फास्ट कर सकते हो। अगर आपका फोन स्लो चल रहा है ना, तो आप उसे फास्ट कर सकते हो सिर्फ 3 सेटिंग को ऑन करने के बाद। यहाँ पे क्या करना है, आपको विंडो एनिमेशन स्केल करके एक सेटिंग देखने को मिलेगा, इससे क्या करना है 0.5x पे कर देना। अगर आपका ऑफ है तो 0.5x पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल मिलेगा, उसे भी 5x पे कर देना है। देन एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल मिलेगा, इससे भी आपको 0.5x पे क्लिक कर देना है। यानी कि ये तीनों सेटिंग को 0.5x पे क्लिक करके रख देना है। उसके बाद आपका फोन कितना फास्ट हो जाएगा, आप खुद जब प्रैक्टिकली ट्राई करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। तो ये तीसरे नंबर की सेटिंग है जो आप यूज करके अपने फोन को फास्ट कर सकते हो। अब चौथे नंबर की सेटिंग के बारे में बताता हूं, जो कि बैटरी को लेकर के है। आपके फोन की बैटरी अगर बहुत जल्दी लो होती है, आप ज्यादा यूज नहीं करते हो, फिर भी आपके फोन की बैटरी जल्दी डाउन होती है, चार्जिंग पूरी तरीके से करते हो, आप सोचते हो कि आखिर मेरे फोन की बैटरी कहां डाउन होती रहेगी,
यही सोचते रहते हो और आपके फोन की बैटरी क्या होती है, पूरी तरह से डाउन हो जाती है। तो आप इस सेटिंग को ऑन करके ये भी प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, डोंट कीप एक्टिविटीज, इस सेटिंग को ऑन कर देना है। देन उसके नीचे ही मिल जाएगा आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, डोंट बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड लिमिट पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे एट मोस्ट वन प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपके फोन के अंदर एक ही प्रोसेस होगा, उससे आपके फोन की बैटरी बहुत कम इंक्रीज होगा, यानी कि आप अपने बैटरी को ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हो। अब फाइनली जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है पांचवा, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, जहां से आप अपने फोन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपके फोन के वॉल्यूम बहुत कम है ना, तो इस सेटिंग को यूज करने के बाद आप अपने फोन के वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर सकते हो। यहां पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, तो इस वाले सेटिंग को आपको क्या करना है, यहां से ऑन कर देना है। जैसे आप यहां से ऑन कर देते हो उसके बाद आपके फोन की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये पांच हिडन सेटिंग जो आपके डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाती है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इसे यूज करने के बाद आप अपने एंड्रॉइड फोन को यूज करिए, देखिए कितना फर्क आता है, पहले से ज्यादा आपके फोन में फर्क नजर आ जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को पांच हिडन सेटिंग, कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी सेटिंग लाने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, तो वीडियो को लाइक तो बनते ना लाइक कर देना, आपकी एक एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। तो लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।